ये पड़ेगा कोरिएंडर, धनिया। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। तो गाइज आज मैं आ गया हूँ सिविल लाइन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ कितनी लगी हुई है। और ये जो है फतेह जी की कचौड़ी है, जो सिविल लाइन पे बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि आप लोकेशन देख सकते हैं। मैं बैंक के पीछे खड़ा हूँ, कैनरा बैंक है, और उसके साइड पर जो कितनी भीड़ लगी हुई, जितनी भी आप गाड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ से लेके और ये साइड तक, ये सारी गाड़ियाँ जो है, ये सब जो है इनकी फेमस जो है कचौड़ी खाने के लिए खड़ी हुई है। तो गाइज चलते हैं, देखते हैं, थोड़ी सी भीड़ ख़त्म होती है उसके बाद देखते हैं कि इनकी कचौड़ी बनाने का क्या प्रोसेस है, क्या खास बात है जिसकी वजह से इतनी फेमस है, और उसके बाद जो है ये स्विगी और जोमेटो पर अवेलेबल है कि नहीं, आप मंगा सकते हैं नहीं, वो सारी बातें इनसे करेंगे, सारी बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बताते रहना क्या क्या डालोगे। ये सादा मटर है, ये सादा मटर खाओ। हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें नमक मसाले डालेंगे, लेकिन हाँ ज्यादा लोगों ने छोले कचौड़ी बोल दिया, ये मटरा होता है। हाँ जी, ये कम से कम कितना टाइम हो गया होगा यहाँ पे भैया? कम से कम हमें यहाँ हो गए 70-80 साल हो गए। 70-80 साल। हाँ गाइस क्या बात है, देख सकते हैं 70-80 साल का इतिहास रहा है। तो जिनका 70-80 साल का इतिहास रहा है, तो वो तो खैर उस स्वाद के बारे में तो आप फिर अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये डल गया इसमें मसाला है, ये भी मसाला जो अपना खुद का घर का। हाँ जी भैया, होममेड है, होममेड मसाला। हाँ जी, ये पड़ेगा नमक स्वाद अनुसार, चार प्लेट के पैसे। ये खट्टी चटनी, ये खट्टी चटनी, ये खटास के लिए है खट्टी चटनी। ये पड़ने जा रहा है इसमें लेमन। भाई देख सकते हो खटास पहली पड़ चुकी है, और नींबू भी पड़ गए, और होममेड मसाले। तो यही इनका राज है इनकी कचौड़ी का। अब होने जा रही इसकी मेकिंग। अब ये जो है कचौड़ी जो है इनकी रेडी होने जा रही है, और देख सकते हैं कितना यूनिक तरीका है। ये तरीका जो है पूरी दिल्ली में जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, कि कचौड़ी के ऊपर जो है छोले लगाए जा रहे हैं, और उसके बाद जो है ये कस्टमर्स को दिए जाएंगे। ये मेरे को एक चीज़ बता दे, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये पहले जो है ये डिपार्टमेंट, मतलब कि एक ही था सिंगल जो पीछे, भैया थोड़ा रश हो जाता है इसलिए यहाँ पे खाने के लिए दे देते हैं, वो वहाँ पैकिंग हो जाती है खाने के लिए। और वो ओनली पैकिंग है? नहीं नहीं, दे सकते हैं, जब फ्री हो जाता हूँ मैं पैकिंग भी कर देता हूँ। अच्छा, पैकिंग भी कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कि रश ज़्यादा होने की वजह से जो है पहले सिंगल जो है उस साइकिल पर जो है दिया जाता था, लेकिन अब दूसरा डिपार्टमेंट इन्होंने यहाँ पर कर लिया है, जो कि यहाँ पर खाने वालों की भीड़ अगर हो जाती है तो उनको अलग से यहाँ पर दिया जाता है, और अगर जो है जिनको पैकिंग करवानी है तो अलग से ही कर देते हैं, लेकिन अगर ये भैया फ्री जाते हैं तो ये खुद भी पैकिंग कर देते हैं। अब रश देख सकते हैं, जैसे कि आप चारों तरफ जरा कैमरा घुमा के दिखाओ भाई, जरा रश दिखाओ और गाड़ियाँ दिखाओ कैसे लाइन से लग के यहाँ पे कचौड़ियाँ खाई जाती हैं। वही टाइमिंग बताते हैं यहाँ भैया, 10 से 4:30-5 बजे तक रहते हैं। 4:30-5 बजे तक। और ये भी क्या है? ये खट्टी चटनी है सर, ये खट्टी चटनी जा रही है। तो गाइस देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल यूनिक है कि इसमें जो है ना तो आलू का कोई मैटर है और ना ही कोई मोठ का है, और इसमें जो ओनली मीठी और खट्टी चटनी। ये भैया ये मीठी चटनी है सर, ये मीठी चटनी जा रही है। और ये क्या डाले? ये अदरक। ये पड़ेगा कोरिएंडर, धनिया। ये आगे इसके ऊपर प्याज, भैया एक प्लेट हमारी भी लगा देना, लेकिन हमारे में खट्टी और मीठी दोनों डाल देना। तो भैया ये हमारी बनने जा रही है, ये लग गए इस पे छोले, ये गई पत्ते में, ये गई पत्ते में, ये डबल पत्ते में, ये दूसरी को जोड़ी, ये भी गई पत्ते में, ये आया मसाला घर का बना हुआ, और ये आई मीठी चटनी, ओ खट्टी चटनी पहले है सर। ओके, ये मीठी है, ये मीठी हो गई। हाँ हाँ, ओए सलाद डालो जी। तो भैया जैसे कि हमारा स्पेशल पत्ता तैयार हो चुका है, ले लो सर,
तो भाई ये है हमारा स्पेशल पत्ता जो है, बड़ा रश होने के बाद जो हमें मिला है। और अब हम जरा इसको टेस्ट करके बताएंगे कि क्या इसके अंदर टेस्ट आ रहा है, ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इतना रश यहाँ पे रहता है। तो गाइज खा के बताते हैं। तो गाइज बिना सब्जी के, बिना मोट के छोले वाली कचौड़ी फतेह जी की। हमने इसमें मीठी और खट्टी चटनी दोनों ली थी एक साथ, जिसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। और आप चाहें तो मीठी अलग से ले सकते हैं, खट्टी की खट्टी ले सकते हैं अलग से, बट मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि आप एक बार खट्टी और मीठी चटनी दोनों एक साथ लें और उसके बाद ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा फेमस है। तो गाइज एक बार ज़रूर सिविल लाइन आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर आके ट्राई करें। सिविल लाइन अगर आए हैं तो फतेह जी के छोटे ट्राई नहीं करें तो कुछ भी नहीं करा। ओके गाइज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे।